Hello everybody, today we are going to understand chapter 3rd of First Flight, thus two stories about flying. This is summary of part 1 and the name of part 1 is His First Flight, a short story written by Liam O'Flaherty. This is an imaginary स्टोरी ऑफ अ यंग सीगुल, यह काल्पनिक कहानी है यंग सीगुल के बारे में. टाइम हैड कम व्हेन ही मस्ट लर्न हाउ टू फ्लाई, समय आ चुका था कि जब वो उड़ना सीखे. हिज टू ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर हैड लर्न हाउ टू फ्लाई बाय ह्यूमिलिएटिंग देयर पेरेंट्स, इसके जो दो भाई थे और एक बहन थी उन्होंने उड़ना सीख लिया था अपने मम्मी पापा को कॉपी करके. They had simply run to the brink of the ledge, flapped their wings and flown away. वो अपने जहाँ पे वो रहते हैं उस किनारे पर गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी पंख फैलाए और उड़ना शुरू कर दिया. But when the young seagull came to the brink and tried to fly in the air, he became afraid. पर जैसे ही यंग सीगुल उड़ने के लिए किनारे पर आया और उसने उड़ने की कोशिश की, वह डर गया. He felt sure that if he tried to fly, he would fall into the sea below. उसको लगा कि अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो जो उसके किनारे में जो समुद्र है वो उसमें जाके गिर जाएगा. So he ran back to his hole on the ledge. तो वो अपने स्थान पे जाकर बैठ गया, जहाँ पर वो रहता था उस स्थान पे जाकर भाग गया वहाँ पर. The seagull's parent came to take him along with them. सीगुल के पेरेंट उसके पास आए ताकि वो सब उसको अपने साथ लेकर चले उड़ने के लिए. But he refused to fly. पर उसने उड़ने से मना कर दिया. They threatened that he would starve on the ledge. यहाँ तक कि उन्होंने इस बात से भी उसको डराया कि अगर वो उड़ने की कोशिश नहीं करेगा तो वो वहीं पे भूखा ही मर जाएगा. But the bird was too afraid to move. लेकिन वो सीगुल इतना ज़्यादा डर गया था कि वो बिल्कुल भी नहीं हिला. 24 hours passed, 24 घंटे बीत चुके थे. The seagull had not eaten anything. 24 घंटों में उसने कुछ भी नहीं खाया था. He began to feel very hungry. 24 घंटे से कुछ ना खाने की वजह से उसको अब भूख लगने लगी थी. He saw his mother sitting on a plateau. उसने अपनी माँ को एक किनारे पर बैठा देखा. शी वॉज ईटिंग अ फिश, और वो मछली खा रही थी. दिस साइट ओनली इंक्रीज्ड हिज हंगर, अपनी माँ को खाता हुआ देखकर उसको उसकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई. जब आप भूखे रहते हो, किसी आप कोई आपके सामने खाता है तो उसको देख के और भूख लगने लगती है, उसी तरीके से वो अपनी माँ को खाता देख के उसको और भूख लग गई. ही रिक्वेस्ट हिज मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड. द मदर लुक एट हिम डेरिसिवली, बट देन शी पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लू टुवर्ड्स हिम. तो जब उसने अपनी माँ को जब देखा खाते हुए तो उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट किया कि माँ मुझे भी कुछ खाने को दो. तो उसकी माँ ने उसको मतलब थोड़ा सा गुस्से में देखा और उसकी तरफ मछली का टुकड़ा फेंक दिया. द मदर डिड नॉट कम टू हिम, शी हॉल्टेड हर विंग्स एंड बिकेम मोशनलेस. माँ उस तक नहीं गई, उसने अपने पंख रोक दिए एवं मतलब माँ अपनी जगह से उसका सीगुल के पास जाने के लिए मतलब मछली का टुकड़ा लेके सोची कि वहाँ उसके पास तक जाएं. तो जैसे ही थोड़ा आगे गई वैसे ही वो रुक गई. द सीगुल वंडर्ड वाई शी वॉज नॉट कमिंग नियर हिम, तो सीगुल भी सोचने लगा कि उसकी माँ उस तक क्यों नहीं आ रही है. ही कुड नॉट बियर इट एनी लॉन्गर, ही वॉज मैडेंड बाय हंगर. यहाँ तक कि वो गुस्से क्या कहते हैं खाने की वजह से उसको भूख की वजह से वो इंतज़ार नहीं कर सका और वो भूख की वजह से वो पागल सा हो गया और मछली की तरफ बढ़ा ताकि अपनी माँ से मछली ले सके. ही कुड नॉट रीच हिज मदर बट fell from the ledge downwards into space.
तो जैसे ही वो मछली के अपनी माँ के पास मछली लेने के लिए बढ़ा तो वो कूदा तो जैसे ही वो अपनी माँ के पास कूदा तो उसको ऐसा लगा कि जैसे वो नीचे गिर रहा हो, और नीचे तो इस नीचे गिरने की वजह से उसको लगा कि जैसे मैं नीचे गिर रहा हूँ। तो वो ज़ोर से रोने लगा और उस मतलब पूरा वो एकदम डर गया कि अब मैं कहीं नीचे गिर के समुद्र में डूब ना जाऊँ। तभी उसको अचानक से ध्यान आया कि वो तो हवा में उड़ने लगा। ही स्प्रेड हिज विंग्स एंड ट्राई टू फ्लाई। तो उसने सोचा कि अरे मेरे पास पंख है तो क्यों ना मैं चलो धीरे धीरे कोशिश करता हूँ उड़ने की। तो उसने अपने पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश करने लगा। सडनली ही फाउंड दैट ही वॉज फ्लाइंग। तभी उसने अचानक से देखा कि अरे मैं तो उड़ रहा हूँ। ही क्राइड विद जॉय एंड स्टार्टेड फ्लाइंग हायर एंड हायर। तो खुशी में मतलब ज़ोर ज़ोर से मतलब चिल्लाने लगा कि मैं उड़ रहा हूँ मैं उड़ रहा हूँ, और वो ऊँचा और ऊँचा खूब ऊँचा उड़ता गया। हिज पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर फ्लू अराउंड हिम एंड स्क्रीम्ड विद जॉय। उसके मम्मी पापा भाई बहन सब जो है उसके सामने उसके उसके आसपास जो है उड़ रहे थे और उसी में ही उसको खुश देख के और चिल्ला रहे थे। जब वो उड़ने लगा उसको उड़ता देख के उसके मम्मी पापा भी खुशी से मतलब उसके आगे पीछे उड़ने लगे। आफ्टर सम टाइम द सीगल्स पेरेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर लैंडेड ऑन द सी। दे आस्क्ड हिम टू कम देयर। द सीगल थॉट दैट इट वॉज ग्रीन फ्लोरिंग। तो कुछ देर के बाद सीगुल के मम्मी पापा भाई बहन सब जो है समुद्र के ऊपर मतलब लैंड किए। समुद्र से टच नहीं मतलब समुद्र के हल्का सा ऊपर ही थे। दे आस्क्ड हिम टू कम देयर। तो और उसके माँ बाप ने कहा कि तुम भी नीचे आओ और अपना शिकार करने की कोशिश करो। द सीगुल थॉट दैट इट वॉज ग्रीन फ्लोरिंग। तो सीगुल ने सोचा कि ये एक जैसे कि कोई हरा फर्श जैसा है। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। उसने अपना मतलब पैर नीचे किया ताकि वो समुद्र पे थोड़ा सा खड़े होने की कोशिश करे। हिज लेग सैंक इन टू इट एंड ही क्राइड विथ फियर। तो जैसे ही अपना अपना पैर जैसे पानी पे रखने की कोशिश की तो वैसे ही उसको लगा कि जैसे वो डूब रहा है और वो चिल्लाने लगा डर की वजह से। बट हिज़ बेली टच्ड द वाटर एंड ही डिड नॉट ड्रोन। बट जो उसका नीचे से पेट था वो थोड़ा सा पानी को टच किया और वो बिल्कुल भी डूबा नहीं। ही बिगेन टू फ्लोट ऑन द सी। और उसके बाद जो है वो समुंदर के ऊपर बैठ के मतलब वहीं पे तैरने लगा। हिज फैमिली मेम्बर्स प्रेज हिम एंड गेव हिम अ पीसेस ऑफ फिश टू ईट। उसके बाकी के सारे परिवार वालों ने उसकी तारीफ करी और उसको मछली खाने के लिए दिया। दस द सीगुल हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इस तरीके से सीगुल ने अपनी पहली उड़ान उड़ी। और इससे हम ये समझते हैं कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आप अपने काम में सफल नहीं होगे।